तो हेलो गाइज, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं टेक ब्रांडेड चैनल। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं एक्सपीडिया एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में। आप एक्सपीडिया एफिलिएट प्रोग्राम कैसे यूज कर सकते हो? बेसिकली वो एक ट्रैवल रिलेटेड वेबसाइट है। अगर आप ट्रैवल में या कैटेगरी आपके नीचे ट्रैवल रिलेटेड और आप वहाँ पर इंफॉर्मेशन देते हो तो आप उसे यूज कर सकते हो। आपको पता ही होगा कि वो एक ट्रैवल रिलेटेड वेबसाइट है, जहाँ पे आपको होटल्स हो गए, हमारे फ्लाइट्स वगैरह उनकी डिटेल होगी, सब वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी यूजफुल डेटा है उस वेबसाइट के अंदर, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट है। आप ज़रूर उसे ट्राई कीजिए एक बार। उसका एफिलिएट प्रोग्राम कैसे यूज करना है तो आज मैं वीडियो में बताने वाला आपको कैसे उसे यूज करना है। तो वीडियो में देखिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, आ जाना है ब्राउज़र के ऊपर, ठीक है। अभी यहाँ पे टाइप बार में लिखना है expedia.com, यहाँ पे ठीक है। इसमें लिखते हैं हम expedia.com, ठीक है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाले हेड ओपन करनी है आपको, पता नहीं इसके ऊपर। तो देखिए यहाँ पे co.in, यानी कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, यहाँ पे जैसे कि .com है, .canada की है, UK की, अलग अलग टाइप में यहाँ पे अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप में हमें वेबसाइट का एड्रेस देखने को मिलेगा, ठीक है। एक्सपीडिया बहुत सारे कंट्री में अलग अलग टाइप से यूज हो रही है, ठीक है। अलग अलग टाइप बोले तो जैसे कि हमारे इंडिया में इन लगता है, यूके के अंदर UK.UK, अपने USA में .com। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेबसाइट के यहाँ पे URL है यहाँ के, ठीक है, इसके डोमेन नेम है अपने एक्सपीडिया के। तो ये एक बड़ी साइट है, बहुत बड़ी वेबसाइट है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे, अभी आपको इस वेबसाइट में कुछ इस तरीके का इसका इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको, सिंपल सा। अभी देखिए एफिलिएट की बात करें हम, तो यहाँ पे आ जाना आपको अपने नीचे इसमें, और पार्टनरशिप यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्लिक करना है। अभी देखिए यहाँ पे ऐसा है कि जो एक्सपीडिया है वो एक ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। यहाँ पे देखिए अभी आपको ये आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे। देखिए ये ग्रुप बोले तो देखिए, एक तो होटल्स, वैकेशन रेंटल, एयरलाइंस, एक्टिविटीज़, कार, क्रशेज वगैरह, ठीक है। यहाँ पे तो एफिलिएट मार्केटिंग, यहाँ पे क्लिक करना है। एक ग्रुप कैसे बनाए वो अभी आपको मैं आगे बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे आ गया अन ऑप्टिमाइज एंड ग्रो विथ एक्सपीडिया ग्रुप एफिलिएट प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे बोले तो देखिए एक्सपीडिया, वर्बो, hotel.com, ऑर्बिज, ट्रैवल लॉसिटी, ई बुकर्स, ठीक है। तो ये पूरा एक ग्रुप फैमिली यहाँ पर लिखा हुआ है, ग्रुप फैमिली, ठीक है, एक्सपीडिया की। तो एक सब साथ में वर्क करेंगे एक्सपीडिया के ऊपर। केवल आपको एक्सपीडिया का होता है जो फ्लाइट रिलेटेड अपने एफिलिएट प्रोग्राम, वो आपको नहीं यूज मिलेगा। पूरा आपको साथ में एक पूरा ग्रुप एक्सपीडिया का ग्रुप बना हुआ वो मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रखिए डिटेल, इजीली अर्न कॉम्पिटिटिव कमीशन, ठीक है। अभी यहाँ पे कार रेंटल पे हैं, ये सब ये डिटेल दे रखी है कि आप कितना होता है यहाँ पे, ठीक है। 1 mm प्लस होटल प्रॉपर्टीज़, 35 की यूनिक एक्टिविटीज, 170 प्लस कार रेंटल कंपनीज, 500 प्लस एयरलाइंस, तो इतने सारे इनके यहाँ अपने सर्विस है, ठीक है। तो अभी हाँ सिंपल आपको यहाँ पे ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना है। अभी देखिए यहाँ पे ज्वाइन एक्सपीडिया ग्रुप एफिलिएट प्रोग्राम यहाँ पे लिखा है, अर्न अप 2-6% कमीशन विद द एक्सपीडिया ग्रुप एफिलिएट प्रोग्राम, यहाँ पे लर्न मोर पे क्लिक करना है। अभी देखिए कुछ इस तरीके का कमीशन टेबल है यहाँ पे। एक्सपीडिया है वो 7 डे वैलिड पीरियड है यहाँ पे, ठीक है। होटल्स अपने वैलिड पीरियड है यहाँ पे, ठीक है, कितनी वैलिडिटी है यहाँ पे। होटल्स में आपको 3% मिलेंगे, वैकेशन रेंटल में 2%, फ्लाइट्स के अंदर केवल $2, पैकेज के अंदर $2, कार के अंदर 2%, क्रेसेज के अंदर 6%, एक्टिविटी के अंदर 5% एंड ग्राउंड ट्रांसफ़र के अंदर 5%। तो ये परसेंटेज कुछ इस तरीके से बने हुए, ठीक है। तो और hotels.com यहाँ पे है, ये 7 डे का पीरियड, और ये देखिए यहाँ पे ऐसा भी ये ग्रुप है और ऐसे भी यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरा ग्रुप में काम होता है यहाँ पे, ठीक है। वर्बो है अभी जो हमने आगे बात की, वो सब आप ऐसे बता रहा है, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके आपको अगर बेनिफिट होता है तो आप यहाँ पे आ सकते हो एफिलिएट यूज करने, ठीक है। अभी आपको मैं सब बता रहा हूँ आगे कैसे करना है, आप यहाँ पे देख लेना है आपको आके, ठीक है। ये कमीशन का अब थे वापस यहाँ पे, आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन, अपने कंट्री सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको फिलअप करके बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तक अभी ऐसे नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, फिलअप करना पड़ेगा। तो फिलहाल फिलअप करते हैं।
ठीक है, कंपनी पे आप भी यहाँ भी सिलेक्ट करते हैं ताकि यहाँ पर यहाँ तक आ सके। यहाँ पे क्या होता है वो सब आपको मैं बता दूँ। तो यहाँ पे भी फिलअप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंडस्ट्री में आपको क्या करना है, कंटेंट साइड लिखना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। कंटेंट साइड का मतलब है जो कंटेंट, यानी कि इंस्टाग्राम पे है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ये सब कंटेंट साइड है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको ये सिलेक्ट करना है। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अभी तो भी देखिए यहाँ पे लास्ट तक पहुँच गए हम। यहाँ तक आपको इतना प्रोसेस करना है, अभी आगे मैं ये नहीं भेजूँगा क्योंकि मैंने डिफरेंट ऐसे ही रैंडम कुछ नाम लिख दिए ऐसे करके, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए पार्टनर्स डिटेल यहाँ पे, ठीक है। न्यू अपने अकाउंट अगर नहीं बनाया है तो यहाँ से आपको क्रिएट यहाँ पे रहने देना है, अगर है तो यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे ईमेल या अपने जो ईमेल आईडी है वो सबमिट होगी, अपने पार्टनराइज यूजर नेम, पार्टनराइज पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे तो फिलअप कर देना है, यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए यूजर नेम ये सब अल्फ़ाबेट वगैरह सब बता रहा है कैसा नाम लिखना है वो, ठीक है। क्लोज करते हैं, यहाँ पे यूजर नेम हम लिख देते हैं जैसे कि, ठीक है, ऐसा यूजर नेम लिख देना आपको, ठीक है। अपने एक दो नंबर डाल देने हैं पीछे। उसके बाद पासवर्ड, सिंपल से बात, पासवर्ड आप बना सकते हो, ठीक है, डिफरेंट अपने जो स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर वगैरह करके और नंबर वगैरह ऐड करें, ठीक है। और यहाँ पे तीनों पे एक्सेप्ट कर देना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। अब वो ये जो प्रोसेस होगा जाएगा आपके रिव्यू में, वहाँ से कन्फर्म होके आएगी आपको, फिर यहाँ से एफिलिएट प्रोग्राम यूज करने को मिल जाएगा। और ये बस इतना सिंपल सा प्रोसेस है। अगर इसमें कुछ आपको दिक्कत हो रही है तो वो आप बता सकते हो, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, ये इसमें थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको अगर आपके पास कंपनी नहीं है तो आप ऐसा कोई आपका यूट्यूब का जो भी नाम है या फिर इंस्टाग्राम पे है कोई भी ऐसा कोई चैनल है उसका नाम लिखना है, ठीक है। एड्रेस भर देना है। वेबसाइट नहीं है तो आप जिस वेबसाइट पे काम करते हो, जैसे यूट्यूब पे करते हो यूट्यूब की, इंस्टाग्राम करते हो इंस्टाग्राम की, फेसबुक पे करते हो फेसबुक की, ऐसे कर देना है, ठीक है। और अदर आप जैसे कि कूपन वगैरह बना दिए हो या फिर कोई अदर कोई काम करते हो तो फिर आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, नहीं तो आपको ये कंटेंट साइड ही रहने देना है, ठीक है। और उसके बाद हमने फर्स्ट पे तो हमारा ये सब यही है जो नॉर्मल होते हैं बेसिक, और इसी थर्ड में है हमारा ये, ठीक है। इसमें आपको ये मैंने आपको बता दिया इस तरह से करना है, और ये तीन अपने एक्सेप्ट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। और फिर हमें सबमिट पे क्लिक करना है। तो आप इस तरह से ये एक्सपीडिया का ये यूज कर सकते हो अपने ग्रुप एफिलिएट प्रोग्राम यहाँ पे, ठीक है। और इसका कमीशन थोड़ा रेट कम है तो आप देख लेना है वापस आपको, अगर आपको सेट हो जाए अगर कि आपके बेनिफिट में है तो आप कर सकते हो, ना फिर आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप किस तरह से इसे यूज करोगे, ठीक है। तो फिलहाल ये भी आपको बस ये इतना ही प्रोसेस करना है, और कोई इस रिलेटेड आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बता सकते हो आप, ठीक है। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद होगी आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।